हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। मैं हूं दीपक गुप्ता और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है अल्फा रेजिमेंट। दोस्तों, हम इंडिया के टॉप डिफेंस न्यूज आज आपके लिए लेकर के आए हैं। वैसे हम डेली लेकर के आते हैं और अगर आप हमारे वीडियो कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो जो है डेली पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और बता दें इंडिया के टॉप डिफेंस न्यूज। अल्फा रेजिमेंट, अर्न यूनिफॉर्म, अर्न रिस्पेक्ट, प्रेजेंस डिफेंस न्यूज। प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति से बातचीत की, एलएसी मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर बातचीत की। वे एलएसी के समाधान के लिए सहमत हुए जिससे भारत चीन के संबंध में सुधार हो सकता है। भारतीय सेना को 78,000 करोड़ की खरीदी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने इक्विपमेंट्स और हथियारों की खरीदी को बढ़ावा देने के लिए 78,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस बजट से तीनों सेनाओं के लिए हेलीकॉप्टर, LMG, लैपटॉप और टैबलेट की खरीदी की जाएगी जो भारतीय सेना की सुविधाओं को अत्याधुनिक बनाएगी। स्वदेशी विमानों को बढ़ावा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने 100 से भी ज्यादा LCA Mark 1A विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से किया करार। इन्हें अपने बेड़े में MiG-21 विमानों की जगह शामिल करने की योजना है। लद्दाख में भारत का नया एयरबेस। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में भारत ने न्योमा में एक नया एयरबेस विकसित करने का फैसला लिया है। इस एयरबेस के माध्यम से Sukhoi-30 राफेल जैसे लड़ाकू विमान संचालित किए जाएंगे। यह नया एयरबेस चीन सीमा से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण रणनीतिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री केमी बादेनोच ने खुलासा किया कि भारत और ब्रिटेन FTA वार्ता के अंतिम चरण में है, सक्रिय रूप से व्यापार गतिशीलता पर चर्चा कर रहा है। मानद ग्रुप कैप्टन सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में नई दिल्ली में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी से मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने भारतीय वायुसेना के लिए क्रिकेटर के समर्थन और योगदान की सराहना की। तेंदुलकर ने वायुसेना की वर्दी में तस्वीरें भी पोस्ट की है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। उम्मीद करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।